किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, बकरी में कृत्रिम गर्भाधान करवाने के क्या फ़ायदे हैं, जिसे AI भी बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सीमेन डलवाना। तो सबसे पहले जानते हैं कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। तो कृत्रिम गर्भाधान का अर्थ होता है एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा बकरा या किसी भी पशु का सीमेन जो होता है, वीर्य जो होता है, उसे स्टोर कर लिया जाता है। और जब कोई बकरी या फिर कोई पशु हीट में रहती है, उस दौरान उसके गर्भाशय में सीमेन को डाला जाना, ये कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। यानी कि कृत्रिम रूप से आप उसे गर्भित कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं। प्राकृतिक रूप से होने का मतलब है जब हीट में आएगी तो बकरा को आप छोड़ दें तो उससे जो गाभिन होगी वो प्राकृतिक रूप से होगी। और लेकिन चूँकि आप बकरे की सहायता नहीं ले रहे हैं, उसका सीमेन ही सिर्फ यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया कृत्रिम गर्भाधान। यानी कि बकरे का सीमेन को निकाल कर रख लेना, एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। आप देखते होंगे कभी जब डालने के लिए सीमेन डालने के लिए आता है तो वो लिक्विड नाइट्रोजन रहता है डब्बा में, जो गैस जैसा उड़ रहा होता है, उसमें स्टोर किया जाता है और रखा जाता है, और जब ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है कृत्रिम गर्भाधान। अब जानते हैं इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं बकरी पालन में। तो बकरी पालन में कृत्रिम गर्भाधान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको ब्रीडर रखने का झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि आपको ब्रीडर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब आपकी बकरी हीट में आती है तो आप AI करवा लें, बहुत इजीली हर जगह आजकल उपलब्ध है, 100 रुपये के आसपास लेता है। आप फ़ोन करेंगे या जो भी है, आपका नज़दीकी पता कर लें तो 100 रुपये के आसपास में वो कर देता है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको ब्रीडर नहीं रखना पड़ेगा। और दूसरा जो है, इन ब्रीडिंग की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि आप अलग अलग प्रकार का ब्रीडर का उसी में आता है तो फिर इन ब्रीडिंग की कोई बात ही नहीं रहेगी हर बार। तीसरा फ़ायदा जो होता है वो होता है कि आप विभिन्न विभिन्न नस्ल के जो बकरे होते हैं उसका सीमेन आप यूज कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक बार बीटल डलवा लिया, अगली बार आपका इच्छा है कि बर्बरी का डलवाएं तो बर्बरी का भी डलवा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन ब्रीडिंग से आप बच जाएंगे, ब्रीडर नहीं रखना है आपको, और आप मनचाहा ब्रीड यूज कर सकते हैं, मनचाहा ब्रीड का सीमेन डलवा सकते हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और AI का जो रिज़ल्ट होता है ना, 70-80% तो ठीक रहता है। मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने देखा है कि अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने 4 बार डलवाया है तो 3 बार तो एक ही बार मैं कंसीव कर रही बकरी, और 1 बार नहीं कर पाई थी। तो आप डलवा सकते हैं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और यदि आप चाहते हैं कि कोई क्रॉस ब्रीडिंग भी ना करें, तो आप जिस बकरी का पालन कर रहे हैं, जिस नस्ल का पालन कर रहे हैं, उसी का सीमेन डलवा लीजिए। मैं भी डलवाता हूँ, जबकि मेरे पास शुरू में जब ब्रीडर नहीं था तो दिक्कत होता था, तो मैं बस AI करवाता था, यानी कि कृत्रिम रूप से गर्भाधान करवाता था। तो कोई दिक्कत नहीं है, करवा सकते हैं और अच्छा है। और क्रॉस ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आप मन चाहे ब्रीड से क्रॉस करवा लीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये था कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, और बकरी में यदि आप करवाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं। नुकसान की बात करें तो नुकसान कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप करवा सकते हैं, ये सिर्फ बकरियों में नहीं, हर जान प्रकार के जानवरों में उपलब्ध है, गाय में भी है, भैंस में भी है, भेड़ बकरी सब में है। तो आप पता सिर्फ कर लें कि आपके यहाँ उपलब्ध है या नहीं है, लगभग लगभग भारत के हर कोने में उपलब्ध रहता है आज के टाइम में। तो आप फ़ायदा ले सकते हैं इसका। वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद है।